नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपको टुडेज के हमारे इस न्यूज़ कार्यक्रम में। और आज जो हम राजनीति के गलियारे की जो खबर लेकर के आए हैं, और आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं, वो बेहद ही अनसुना सा खबर है। शायद आप पहले इस बारे में कभी ना सुना हो। जी हाँ, जिस दोस्त ने सोनिया गांधी तक पहुँचाया था राजीव गांधी का लव लेटर, वह भारत आने पर क्यों पकड़ा गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ी खबर है। बात 1965 की है। उन दिनों सोनिया गांधी ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी। राजीव गांधी भी कैम्ब्रिज पढ़ने गए थे। वह पूर्व राजनयिक TN कॉल के बेटे दीप कॉल के साथ अपार्टमेंट शेयर करते थे। सोनिया गांधी भी एक पेइंग गेस्ट में ही रहती थी। एक रोज सोनिया गांधी का इटालियन फूड खाने का मन बना तो निकल पड़ी तलाश में, और पहुंची सेंट एंड्रयू रोड स्थित एक ग्रीक रेस्टोरेंट में। वर्सिटी नामक इस रेस्टोरेंट के मालिक चार्ल्स एंटोनी राजीव गांधी के दोस्त थे। हर दिन कैम्ब्रिज के छात्र इस रेस्टोरेंट पर खाने पीने के लिए जुटा करते थे और मौज मस्ती भी करते थे। उस दिन जिस टाइम में सोनिया गांधी रेस्टोरेंट पहुंची थी, उसी समय राजीव गांधी भी लंच करने पहुंचे थे। इस दौरान एक दोस्त ने राजीव गांधी का सोनिया गांधी से परिचय करवाया। लव एट फर्स्ट साइट, यानी कि पहली नज़र में ही प्यार होने जैसा हाल था। राजीव गांधी सोनिया गांधी को दिल दे बैठे थे। उस वक्त सोनिया के साथ उनकी पाकिस्तानी दोस्त ताहिर जहांगीर भी मौजूद थी, जब राजीव ने नैपकिन को ही बना लिया लव लेटर। जी हाँ, एक ऐसा भी वाकया हुआ था। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई की दिसंबर 2003 में आई सोनिया अ बायोग्राफी नामक पुस्तक में जहांगीर के हवाले से उस रोज का वाक्या कुछ यूं बयान किया गया है। जैसे ही राजीव गांधी के टेबल के पास से होकर सोनिया गांधी गुजरी, तो अचानक दोस्तों से बातचीत में मशगूल राजीव शांत हो गए। वह ख्यालों में खो बैठे, और मैंने देखा कि राजीव ने तुरंत नैपकिन उठाई और उसी पर पेन से कविता लिखने लगे। पूरे जज्बात उन्होंने नैपकिन पर ही उकेड़ कर रख दिया। यह कविता सोनिया के प्रति प्रेम की उनकी तीव्र अभिव्यक्ति रही। फिर राजीव गांधी ने अपने रेस्टोरेंट मालिक दोस्त यानी कि चार्ल्स से मदद मांगते हुए कहा कि वह एक वाइन की बोतल के साथ कविता लिखी गई नैपकिन को सोनिया गांधी तक पहुंचा दे। ये पूरा वाक्य का जिक्र किया गया है उस बुक में। बस यहीं से राजीव गांधी और सोनिया के प्यार की शुरुआत हुई। पहली नज़र में सोनिया को भी राजीव भा गए थे। हालांकि पहले सोनिया को यह पता नहीं था कि राजीव भारत के सबसे बड़े राजनीतिक यानी कि गांधी परिवार से नाता रखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को जन्मी इटली के ओबरसानो में जन्मी सोनिया गांधी, यूं तो स्पेनिश और रशियन भी यूं तो वो स्पेनिश और रशियन की भी अच्छी जानकार रही हैं और फ्रेंच भी बोलती थी, मगर अंग्रेजी सीखने के मकसद से कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने पहुंची थी। पेशे से सैनिक रहे पिता स्टेफिनो माइनो ने पैसे की व्यवस्था करके उन्हें कैम्ब्रिज अंग्रेजी पढ़ने के लिए ही भेजा था। एक दौर आया जब उनके पिता ने शादी के लिए रख दी थी कठिन शर्त। अपनी पुस्तक में रशीद किदवई लिखते हैं आगे कि कैम्ब्रिज के दिनों में राजीव और सोनिया गांधी अक्सर फिल्में देखने जाया करते थे। पहली मूवी उन्होंने सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली देखी थी। राजीव गांधी से गहरी दोस्ती होने के बाद सोनिया ने अपने पिता स्टेफिनो माइनो को उनके बारे में जानकारी दी, तो वह खुश नहीं हुए। भले ही सोनिया गांधी के पिता कभी भारत नहीं आए थे, मगर उन्हें यहाँ के राजनीतिक हालात डराते थे। एक तो राजनीतिक गांधी परिवार और दूर देश में बेटी के रिश्ते को लेकर के पिता मन में तमाम आशंकाएं पनप रही थी। डेटिंग के एक साल बाद ही राजीव गांधी सोनिया के घर पहुंच गए थे, और बिना किसी लाभ लपेट के उन्होंने पिता से सोनिया का हाथ मांग लिया था। मगर सोनिया के पिता ने शर्त रखी थी कि शादी की बात तभी मानेंगे जब दोनों एक साल तक किसी से नहीं मिलेंगे, और इसके बाद भी अगर दोनों को लगेगा कि वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तभी शादी की अनुमति मिलेगी। जी हाँ,
एक साल अलग रहना सोनिया और राजीव के लिए काफी मुश्किल था, मगर उन्होंने एक साल का वक्त भी काटा और दूर रहने पर उन्होंने उस दौर दरमियान प्यार को और गहरा होता पाया। इसके बाद सोनिया के पिता के पास दोनों के रिश्ते को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो ये थी उनके प्यार और मोहब्बत से जुड़ी एक बेहद रोचक जानकारी। आगे अगर बात करें इस कहानी में, तो लंदन में पली बड़ी सोनिया से मिली इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उन दिनों इंदिरा गांधी को पत्र लिख करके सोनिया के बारे में बताया करते थे। इंदिरा गांधी ने उनसे एक दिन कहा कि वह लंदन में जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी एक प्रदर्शनी में शिरकत करने वाली हैं, इस दौरान वह सोनिया से मिलेंगी। लंदन में जब भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर मीटिंग तय हुई, इंदिरा ने उस दिन सोनिया से फ्रेंच में बात की। बकौल सोनिया गांधी, उन्होंने फ्रेंच में भी जवाब दिया, क्योंकि अंग्रेजी की तुलना में मेरी फ्रेंच धारा प्रवाह रही है और वह मेरे बारे में और पढ़ाई के बारे में जानने को उत्सुक थी। इस दौरान इंदिरा ने उनसे कहा कि वह बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि वह खुद अपनी युवावस्था में प्रेम कर चुकी हैं। ऐसी दोनों के बीच काफ़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हुई। भारत आने पर अमिताभ बच्चन के घर ठहरी थी सोनिया। जी हाँ, ये भी एक किस्सा आता है सोनिया गांधी और राजीव गांधी से जुड़े हुए इस सब्जेक्ट पे। जब इंदिरा गांधी ने सोनिया को पसंद कर लिया, तो 13 जनवरी 1968 को पहली बार सोनिया गांधी दिल्ली आई। बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगा कि बगैर शादी के किसी लड़की को घर में रखने की इजाज़त परंपराएं नहीं देती है। देश के बड़े राजनीतिक परिवार से मामला जुड़ा होने की वजह से इंदिरा किसी तरीके का सवाल उठने नहीं देना चाहती थी। वह शादी तक सोनिया को किसी होटल में ठहराने की सोच रही थी। यह समस्या इंदिरा के करीबी और पूर्व राजनयिक TN कॉल और पारिवारिक मित्र मोहम्मद यूनुस ने चुटकियों में हल कर दी। उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों ना सोनिया को तेजी बच्चन यानी कि अमिताभ बच्चन की मां के दिल्ली वाले घर में ठहराया जाए। इस प्रकार सोनिया और अमिताभ बच्चन के उनके घर पहुंची। भारत में सोनिया के पहला अगर कोई दोस्त बना तो वह थे अमिताभ बच्चन। भारत आने के 12 दिन बाद सादे समारोह में अमिताभ बच्चन के घर ही सोनिया और राजीव की सगाई भी हुई और 25 फरवरी 1968 को एक सफदर जंग रोड के बैंक लॉन में राजीव और सोनिया गांधी की शादी हुई। उस दिन राजीव गांधी क्रीम सिल्क की पटियाला अचकन और भरतपुरी पगड़ी पहने थे, जब सोनिया पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। मेहमानों के लिए हैदराबाद हाउस में डिनर का रखा गया था प्रोग्राम। अगर आप उस दौर से गुजर चुके हैं या उस कहानी को जानते हैं तो शायद आपको ये बात पता हो। 1970 में राहुल गांधी का जन्म हुआ था। 20 जून 1975 को पहली बार सोनिया गांधी ने किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लिया। वह दिल्ली में एक लाख की भीड़ की रैली में मुखातिब भी हुई थी। इंदिरा के चुनाव के खिलाफ आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के यह रैली संजय गांधी ने बुलाई थी। अब जबकि हम इस कहानी का जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें एक और मोड़ आता है। एक और वक्त था जब राजीव गांधी का दोस्त एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया था, यानी कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। इस दौरान वॉर सिटी रेस्टोरेंट के मालिक चार्ल्स एंटोनी ने भारत आकर के घूमने का प्लान बनाया था। चार्ल्स के रेस्टोरेंट में ही राजीव और सोनिया की पहली मुलाकात हुई थी, जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं, और चार्ल्स ने प्रेम संदेश पहुंचने में मदद भी की थी। चार्ल्स अपने खर्चे पर उड़ान पकड़कर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। जैसे ही प्लेन से वो उतरे, उन्हें पकड़ लिया गया था। वजह था, उनके पास भारत का वीज़ा नहीं था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने डिटेन कर लिया उन्हें। अफसरों ने जब बगैर वीज़ा भारत के कदम रखने पर पूछा उनसे सवाल, तो उन्होंने हैरानी भरा जवाब दिया। कहा, हमें मालूम ही नहीं था कि गांधी परिवार के दोस्त का भी वीज़ा लगता है। बहरहाल चार्ल्स ने एक फ़ोन कॉल करने की अनुमति मांगी, तो अफसरों ने फ़ोन करने दिया और संभवतः यह फ़ोन चार्ल्स ने राजीव गांधी को किया, और उसके कुछ ही समय बाद आधी दर्जन एम्बेसडर कारें एयरपोर्ट पर चार्ल्स को रिसीव करने के लिए पहुंच गई।
एयरपोर्ट से चार्ल्स सीधे 7 RCR यानी कि 7 RCR स्थित प्रधानमंत्री के बंगले में पहुंचे। फिर एक हफ्ते तक देश में आगरा सहित कई स्थानों में वो घूमे टहले। पत्रकार राशिद किदवई की किताब सोनिया और बायोग्राफी में एक ऐसी रोचक किस्से दर्ज हैं, एक से एक किस्से दर्ज हैं। तो आज हमने आपको बताया एक रोचक कहानी जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बेहद पसंद आया होगा, और अगर आप चाहें तो आपसे खुद से जुड़ी कुछ नया किस्सा अगर आपके मन में हो तो वो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज़।